हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गुड इवनिंग। अभी शाम का टाइम है और अभी से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं आधा घंटा पहले वीडियो अपलोड की हूँ, तो आज ही मैं एडिट की हूँ। आज मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही थी। वैसे मेरी तबीयत अभी भी ख़राब है, लेकिन पहले से ठीक है, क्योंकि अभी मुझे फीवर नहीं आ रही है। फीवर आ रहा था ना, तब तो बाप रे हालत ख़राब था। और फीवर अभी नहीं आ रही है, लेकिन अभी मैं इतना ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ ना कि क्या बताऊँ। मतलब इतनी नींद आ रही है, तीन दिन से मैं दिन में इतना सो रही हूँ, मतलब उठने का मन ही नहीं हो रहा है, आँख ही नहीं खुल रहा है, इतना ज़्यादा थकान फील हो रहा है। और कल तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा हेल्प किए, कल तो मुझसे बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा था, तो सुबह में वही खाना बनाए थे और बर्तन भी रात का मैं छोड़ दी थी, तो वही सारा बर्तन धोए सुबह में। और कपड़े तीन दिन से कपड़े वही धो रहे हैं, मैं कपड़े नहीं धो रही हूँ। अभी मैं अच्छा फील कर रही हूँ, तो आज मैं वीडियो एडिट भी की हूँ और आज मेरा ब्लॉग भी गया है, तो मूड बहुत अच्छा है। और अभी वही शाम का थोड़ा बहुत काम बाकी था, तो वही मैं सोची चलो अभी कर लेती हूँ। गर्मी बहुत लग रही है, यहाँ पे बैठ के मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी, तो मैं सोच चलो अभी कपड़े फोल्ड कर ही रही हूँ तो ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। और इतने दिनों से, लगभग 1 वीक से हम लोग का तबीयत ख़राब है, तो 1 वीक से अच्छे से काम नहीं हो पा रहा है घर का, तो हालत तो ऐसा ख़राब हुआ है ना कि क्या बताओ। चारों तरफ ना गंदा गंदा ही दिख रहा है, मतलब अच्छे से घर में झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ है। अभी सारे कपड़े को मैंने फोल्ड कर लिया, अभी इसे वार्डरोब में रखना है। और पता है कल मैं वार्डरोब खोली ना कल रात को, तो यहाँ पे ना मुझे एक कॉकरोच दिखा। ओह माय गॉड, तब से ना मेरा दिमाग ख़राब हो गया है कि कब मैं इसे ठीक करूँ। तबीयत ख़राब होने की वजह से ना सारा मेरा काम ना पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये वाला सेक्शन ना मैंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा था। यहाँ पे देखिए कितना सारा मैसी हो गया है और बहुत सारे छोटे मोटे सामान रख दिए हैं, दवाई भी रखा हुआ है। और ये वाला सेक्शन तो पूरा से मैसी है। और देशानी का ये हाल देखिए, निशानी ने क्या किया है। अभी इसे क्लीन करने में मुझे कितना टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और ये वाला सेक्शन तो, ये दोनों सेक्शन बहुत ज़्यादा मैसी है। तो अभी मुझे ना सारे कपड़े को निकाल के अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना है, और इसी बहाने मेरा वार्डरोब भी क्लीन हो जाएगा। चना दाल बॉईल हो गया है और आज बनेगा चना दाल का तड़का। और सारे बर्तन अभी धो लिए, और ये वाला इधर का एरिया इतना गंदा हो रखा है ना कि क्या बताऊँ। वो टाइल्स वगैरह दिख रहा है ना, सब बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, कल मैं साफ़ करूँगी। ये वाला बास्केट भी गंदा हो रखा है। यहाँ पे बन रहा है चाय छोटे से कटोरा में, क्योंकि दो आदमी को पीना है, मम्मी पिएगी और मैं पीऊँगी, और दिशानी खेल रही है बाहर। अभी देखते हैं दृशानी किधर खेल रही है। इधर दिखाई नहीं दे रही है, किधर है। आज इतना ज्यादा गर्मी लग रहा है ना कि क्या बताओ, बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है। अभी चाय बन के रेडी हो गया है, चाय छानते हैं, चाय पीते हैं और मम्मी के लिए पिक्चर लगा देते हैं। बैठ के बोर हो रही है तो कुछ लगा देती हूँ, अच्छा सा पिक्चर देखेंगी और मैं इधर फटाफट से खाना बना लूँगी। ऐसे छना का डंटी कप का टूट गया और मैं ऐसे ही काम चला रही हूँ, क्योंकि अभी ये देखिए नछन्ना बहुत अच्छा है, इसको फेंकने को बनता ही नहीं है। We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh.
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। निशानी अभी सो के उठी है और अभी टाइम बहुत ज्यादा हो गया है क्योंकि आज है संडे संडे संडे। तो अभी टाइम देखिए और मैं बना रही हूँ चाय। ये छोटा सा कटोरा मेरा बहुत काम आता है चाय बनाने के लिए और इसमें मस्त चाय बन जाता है, 3 कप आराम से बनता है। तो अभी चाय बन के रेडी भी हो गया है और घर के बहुत सारे काम भी खत्म हो गया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो आज है नेक्स्ट डे, आज है संडे। तो आज कल रात को ना बहुत लेट हो गया था सोने में और मेरे हस्बैंड भी ऑफिस में बहुत लेट आए थे, तो इसके लिए कल ज़्यादा कुछ रात में रिकॉर्ड नहीं किया और बर्तन रात को मैं छोड़ दी थी। तो अब भी मैं धो रही हूँ, अभी थोड़े से पड़े हुए हैं और अभी पानी भी आ गया है, पानी भरना हो गया है। और रात में ही थोड़े बहुत जो कपड़ा था ना वो भी मैंने धो लिया था, तो अभी कपड़े भी मैंने डाल दिया है सूखने के लिए। और अभी मैं जा रही हूँ घर में पोछा लगाऊंगी, उससे पहले मैं चाय पी लेती हूँ क्योंकि अभी चाय बना रही हूँ। और अभी पानी भरना तो हो गया है टंकी में, वाटर टैंक में थोड़ा सा कम है पानी, भी थोड़ा देर में भर जाएगा तो फिर बंद कर दूंगी नल को। फटाफट से चाय पीते हैं, घर में पोछा लगाऊंगी, फटाफट से नहा लूंगी क्योंकि आज मुझे हेयर वॉश करके नहाना है, बहुत सारा ऑयल लगाए हुए हैं। तो अभी चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से। आज ब्रेकफास्ट में बना है पोहा और अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। अभी नहाना हो गया और पूजा भी हो गया और अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। लेट हो गया, 10:30 से भी ज़्यादा हो गया है अभी। और अभी उधर ना बहुत तेज सॉन्ग चल रहा है तो इसके लिए दरवाज़ा बंद की हूँ बेडरूम का, फिर भी आवाज़ थोड़ा थोड़ा आ रहा है बट वीडियो में नहीं आएगा। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी और अभी लंच भी बनाना है और इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करना है क्योंकि ये ब्लॉग कल से ही कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि ये ब्लॉग को आज मुझे एडिट करके डालना है, शाम को 3-4 बजे तक तो चला जाएगा अगर टाइम पे एडिटिंग होगा तो। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। और मैं मिलती हूं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।